हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम तोमर एंड यू आर वाचिंग सारथी मोटोटीज, जहां पे हम आपको दिखाते हैं ओल्ड कार्स। तो आज हम हैं देहरादून में सहारनपुर बाईपास पे, और आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन कार्स। तो वीडियो बनाएंगे आज नितिन, कैसे हैं? बढ़िया। तो नितिन वीडियो बनाएंगे और गाड़ियाँ दिखाएंगे, फॉर्च्यूनर से लेके एक्सयूवी से लेके और कौन कौन सी गाड़ियाँ? भाई सारी की सारी गाड़ियाँ होंगी, जो भी आप सोचते हो लेने के लिए आज के टाइम पे मल्टीपल कार मिलेगी आपको यहाँ पे। और भाई छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, फॉर्च्यूनर हो, सारी की सारी मिल जाएगी। बस वीडियो पूरी देखो, बिना स्किप करे। जो आप गाड़ी ढूंढ रहे हो मार्केट में वो इस वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए स्किप मत करना। स्किप करोगे तो हाथ से निकल जाएगी। और जी फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारी ज़्यादातर 85% लोग बिना सब्सक्राइब के वीडियो देखते हैं। बिल्कुल। तो भाई वो 85% कहाँ पे हैं जो वीडियोस देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते? तो भाई सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो वो आती रहेंगी आपके पास ऑटोमेटिकली। उसके साइड में छोटा सा बटन है बेल आइकन का, उसको प्रेस कर दो तो नोटिफिकेशन भी आपके पास आते रहेंगे। भाई आज की गाड़ी का स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त है, ऐसी कोई गाड़ी नहीं जो मिस हो सकती है, क्योंकि स्टॉक में कम से कम 50-60 कार्स हैं। मैं ट्राई करूँगा कि मैक्सिमम कार्स आपको दिखा सकूँ। तो फटाफट से बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको स्टॉक। दोस्तों बुलाते हैं यहाँ के ऑनर को, वसीम भाई को, जो आपको गाड़ी दिखाने वाले हैं। जब भी आप यहाँ पर आएंगे वसीम भाई मिलेंगे। वसीम भाई प्लीज़ कम। हाय भैया, कैसे हो? वेलकम। नमस्कार जी। नमस्कार। हाय हेलो। हाय हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सबको, एवरीवन। कैसे वसीम भाई को एक पहले एक वीडियो में देखा था, बहुत अच्छी वीडियो हिट हुई थी, काफ़ी सारी गाड़ियां सेल हुई थी और बहुत अच्छी अच्छी डील लेके आए थे वसीम भाई पहले भी, और फिर से मैं आ गया हूँ भैया के पास और एक नया स्टॉक लेके आया हूँ। काफ़ी अच्छी गाड़ियां आपको देखने को मिलेगी इस वीडियो में भी। तो भैया आज गाड़ियां कितनी हैं हमारे पास और सबसे कम प्राइस को क्या होगा गाड़ी का? सबसे कम बजट की जो गाड़ी इस टाइम हमारे पास है वो 75,000 में है। एंड बाकी आपके साथ अभी आगे फॉरवर्ड दिखाते हैं सारा स्टॉक आपको फिर 75,000 में। हाँ जी, क्या बात है भाई, मतलब लाख से नीचे की गाड़ी भी मिल जाएगी आपको। और सबसे हाईएस्ट प्राइस जो आज की गाड़ी है वो कौन सी गाड़ी है और कितना है उसका हाईएस्ट प्राइस? सर अभी हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट प्राइस की खड़ी हुई है एक्सयूवी है, फॉर्च्यूनर है ना सर, ऑडी है, मतलब बड़ी गाड़ी भी अपने पास, बड़ी गाड़ी भी है। क्या बात है भाई, अगर ऑडी भी लेनी है आपको, फॉर्च्यूनर लेनी है तो वो भी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। तो दिखाते हैं पहली गाड़ी, चलिए। तो दोस्तों पहली कार हमारे पास है i20 व्हाइट कलर की। वसीम भाई क्या डिटेल है? 2019 मॉडल है, 19,000 चली हुई है, ठीक है। एंड डीजल में है, स्पोर्ट्स मॉडल, फर्स्ट ओनर है आपके सामने है गाड़ी, 19,000 चली हुई, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी। अच्छा। है एंड इसको हम दे देंगे सर 7.5 लाख में। 7.5 लाख में, 7.5 की अपन लोगों की डिमांड है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हमारे चैनल से कोई आता है तो भैया क्या फाइनल प्राइस इस गाड़ी का लग जाएगा? सर नेगोशिएबल है, आपकी तरफ से अगर कोई कस्टमर आता है तो हम लोग 5-10 हज़ार का ही नॉर्मली नेगोशिएशन होता है, लेकिन आपकी तरफ से अगर कोई कस्टमर आता है तो हम उसको 7.25 में गाड़ी देते हैं। 7.25 में गाड़ी हो जाएगी। हाँ जी, उसमें भी ऑन टेबल थोड़ा बहुत रिकॉर्ड रहेगा। श्योर सर, देखते आता है, ठीक है। तो दोस्तों गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी, व्हाइट कलर की गाड़ी है और व्हाइट कलर तो यार बहुत अच्छा लगता है i20 का। वैसे भी अलॉय व्हील आपको गाड़ी में मिल रहे हैं, टायर की कंडीशन भी ठीक ठाक है आपको, 50% टायर फ्रंट मिल रहा है, बैक आपको मिल रहा है 80%। तो भाई गाड़ी में खर्चा बिल्कुल नहीं है फिलहाल, आप गाड़ी चलाएं लेके जाएं। नेक्स्ट कार हमारे पास बड़ी गाड़ी, एक फॉर्च्यूनर यहाँ पे खड़ी है। भैया फॉर्च्यूनर की क्या डिटेल है, इसकी तो स्टैंडिंग इतनी अच्छी लगती है? फॉर्च्यूनर 2015 है एंड इट इज़ 15 मॉडल, 4x4 मैनुअल में है गाड़ी, एंड इसका जो डिमांड है हमारा 16 लाख रुपये का डिमांड है। बाकी आपकी तरफ से अगर कोई आता है देने की तो हम इसको 15.5 की दे देंगे। 15 में हो जाएगा? 15 तक तो नहीं होगा, बट कुछ ना कुछ नेगोशिएट इसमें और देख लेंगे प्राइस का। 15 मॉडल 15 में वील सी व्हाट विल बी द ऑफर फ्रॉम द कस्टमर साइड ना। ओके, इट मींस आई थिंक ऑन टेबल अच्छा हो सकता है। 15 मॉडल है, 16 लाख में ये ऑफर कर रहे हैं भैया। 4x4 है, 4x4 मैनुअल में, 85 चली हुई है, फर्स्ट ओनर है गाड़ी, फर्स्ट ओनर है। हाँ जी, ठीक है, फिर तो एक बनता है। अगली गाड़ी हमारे पास स्कॉर्पियो, एक और बड़ी गाड़ी यहाँ पे व्हाइट कलर की। क्या मॉडल है भैया ये? 2011 मॉडल है, स्कॉर्पियो VLX है एंड इसका प्राइस है 3.5। हाँ जी, 80,000 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी। ओके, एंड तो भाई इस हिसाब से गाड़ी की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है और 3.5 लाख में आपको स्कॉर्पियो मिल रही है, अच्छी डील है दोस्तों, आप यहाँ पे आ सकते हैं। सेकंड गाड़ी हमारे पास एक और स्कॉर्पियो, ये न्यू शेप में है, आप इसको भी देख लीजिए भैया। इसकी डिटेल क्या है? 2017 मॉडल है स्कॉर्पियो ये, एंड 65,000 चली हुई है गाड़ी, एंड दिस इज़ द ओनली स्कॉर्पियो अभी जो न्यू मॉडल में लगभग शहर में हमारे पास ही है गाड़ी, और स्कॉर्पियो अवेलेबिलिटी आप जानती हैं डिमांड में रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है। हाँ जी, डिमांड इसका वैसे हमारा जो है 10 लाख का है, लेकिन इसको हम 9.5-9.35 तक इसको छोड़ देंगे। हाँ जी, नंबर भैया कहाँ का? UK04 नंबर लगता है भैया, हल्द्वानी, हल्द्वानी का नंबर है, ठीक है। अच्छा, काफ़ी कमेंट्स आते हैं हल्द्वानी से, इवन आज भी कमेंट आया हुआ था एक बंदे का कि भाई मुझे हल्द्वानी की गाड़ियाँ दिखा दो, आप हल्द्वानी कब आएंगे? तो भाई हल्द्वानी तो अभी नहीं आ पाए, पर लेकिन गाड़ी हल्द्वानी पास है। मेरे पास एक हल्द्वानी के कस्टमर का भी फोन आया था, अच्छा, आप ही के थ्रू, तो उनसे मेरी बात चल रही है, तो शोर्ली विल बी कमिंग।
दोस्तों ये भी बहुत अच्छी गाड़ी है, मॉडल क्या बताया था आपने? 2017 मॉडल है और 9.5 के आसपास हम गाड़ी को 9.35 तक हम छोड़ सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट कार हमारे पास ये डिजायर है या स्विफ्ट है? स्विफ्ट डिजायर है, तो बहुत अच्छी गाड़ी है भैया, 65,000 चली हुई है एंड फर्स्ट ओनर पे है गाड़ी, डीजल में तो मेंटेन गाड़ी है। गाड़ी आप देख सकते हैं, इसको हम डिमांड हमने इसका जो रखा हुआ है 3.25 का है, 3.25 लाख रुपए एंड 3-10 तक हम इसको गाड़ी को दे देंगे। ओके, नाइस। ड्रिवन कितना बताया आपने? 65,000 चली है। और ओनरशिप? फर्स्ट ओनर। क्या मतलब मोस्टली आज फर्स्ट ओनर की गाड़ी रखी है? हाँ जी, ये देखिए मतलब आप रिटायर्ड पर्सन की गाड़ी है तो आप इस पे सब बैनर वैनर सब जो लगे हुए हैं स्टिकर्स, तो अच्छी मेंटेन रखी हुई है गाड़ी उन्होंने। तो अच्छा, काफी लोगों का ये भी रहता है कि एक्सीडेंटल गाड़ी ना मिले, क्योंकि डीलर्स जो मोस्टली डील करते हैं उसमें डर लगता है लोगों को आने में। हाँ, कि ये डीलर्स के पास एक्सीडेंटल गाड़ियां भी होती है, तो क्या लगता है कि मतलब हमारे पास तो कुछ ऐसा नहीं है? सर, आज तक तो कभी हमने एक्सीडेंटल गाड़ी परचेज ही नहीं करी, बिकॉज हम लोग दो चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं कि गाड़ी एक्सीडेंटल ना हो, मैकेनिकल ना हो, खराब ना हो, और किसी भी तरह की गाड़ी कोई प्रीवियसली किसी भी केस में इन्वॉल्व ना हो, तो ये कुछ बातों का ध्यान रखते हुए हम लोग गाड़ी खरीदते हैं। अच्छा, अगर गाड़ी पेंट होती है, बहुत से लोग सोचते हैं कि एक्सीडेंटल है, ये तो एक मिथ है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, पर काफ़ी लोग डरते हैं कि नहीं अगर गाड़ी में पेंट तो गाड़ी एक्सीडेंटल होगी। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है, एक छोटी मोटी टचिंग हर गाड़ी में लगती रहती है। देखिए सर, बम्पर वम्पर्स तो हमको भी पेंट कराने पड़ते हैं, और ऐसा कोई भी ओनर नहीं है जो अपनी गाड़ी को टच अच्छी कंडीशन में ना रखे। तो भाई अगर मेरी गाड़ी भी होगी तो अगर लगती है साइड से तो मैं चाहूँगा कि वो गाड़ी ना दिखे उस लगती हुई। तो अगली गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, क्रेटा। भाई साहब, क्रेटा की डिमांड तो बहुत ही ज़्यादा आती है, खासकर देहरादून उत्तराखंड के लोग तो यार क्रेटा लवर्स हैं, नो डाउट। तो भैया इसकी क्या डिटेल है और क्या हम देने वाले हैं? 2017 मॉडल है ये गाड़ी, पेट्रोल में है, देख सकते हैं आप। एंड मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 40,000 किलोमीटर्स चली हुई है गाड़ी। नाइस, है ना, पेट्रोल में है। इसको सर हम दे देंगे 7.5 लाख रुपये। 7.5 लाख में? हाँ जी। ओनरशिप? फर्स्ट ओनरशिप। क्या बात है, इंश्योरेंस गाड़ी में है? इंश्योरेंस चेक करना पड़ेगा एक बार, बट आई एम नॉट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वैलिड है इंश्योरेंस, नो इशू। आप नीचे नंबर जो जा रहे हैं आप उस पर नीचे कॉल करके भी क्वारी कर सकते हो भैया इंश्योरेंस, या फिर कुछ भी आपको दूर से आप देख रहे हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप लोकल में रहते तो आप विजिट करिए, गाड़ी देखिए, खुद देखिए आके और लेके जाइए गाड़ी। गाड़ी की कंडीशन की बात करें तो गाड़ी की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है, नीट एंड क्लीन है। टायर की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है, पिछला टायर भी अच्छा है, तो यार स्टैंडिंग तो काफ़ी गाड़ी की अच्छी होती है। नेक्स्ट कार हमारे पास एक हो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो बहुत सारी है हमारे पास। हाँ जी, स्कॉर्पियो हमारे पास ये अभी रिसेंट में ही आई है गाड़ी। क्या बात है? 2015 मॉडल एसेट में है ये एंड किलोमीटर इसका 70 से 75 के बीच में चली हुई है। हाँ जी, इसको सर डिमांड हमने जो रखी हुई है वो 8.25 की है, 8 तक हम इसको दे देंगे एंड थोड़ा बहुत और भी जो इसमें नेगोशिएट हो जाएगा। मॉडल क्या है? 2015 मॉडल स्कॉर्पियो एसेट है। S8 है ये, ठीक है। गाड़ी आप जो भी देख सकते हैं ना, तो जो भी गाड़ी आप देखेंगे भैया सारी मेंटेन्ड कार्स हैं एंड ज़्यादातर कोशिश है कि अच्छी गाड़ियाँ हम लोग रखें ताकि कस्टमर के हमारा सेटिस्फेक्शन रेट बढ़े। इसके टायर बहुत अच्छे हैं, कुछ डिफरेंट है, ये आफ्टर मार्केट है क्या? नहीं, ये इसमें S11 के अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं। दैट्स नाइस, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत थोड़ा सा ना ऑफ रोड वाले टायर्स लग रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, इसमें ऑफ रोडिंग ऑल टेरेन टायर्स लगे हुए हैं। क्या बात है, तो भाई गाड़ी बहुत अच्छी है, 15 मॉडल आपको मिल रहा है 8.25 के आसपास, ऑन टेबल रिकॉर्ड भी रहेगा हमारा। आप बोलिए सारथी मोटर डील्स की वीडियो देखी है और इतना अच्छा स्टॉक मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो भाई इस पे एक लाइक तो बनता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपने वीडियो देख लिया, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरह के स्टॉक भैया लेके आते रहेंगे मेरी वीडियोज में। एक गाड़ी और भी है जो बुलेरो, यार भैया मिलती नहीं है पहली बात तो, बुलेरो पता नहीं इतनी डिमांड इस गाड़ी की क्यों और कहाँ से आ जाती है, इतनी कॉल्स आती है, इतने सारे कमेंट्स आते हैं, आई होप आपके पास भी आते होंगे। तो भैया इस गाड़ी की डिटेल दीजिए, आई होप ये तो आजकल में ही निकल जाएगी। हाँ जी सर, ये अभी हमारे पास आई भी है गाड़ी, परसों में ही आई है, ठीक है। एंड ये 2018 मॉडल है। गाड़ी आप देख सकते हैं एकदम ब्रांड न्यू है, लाइटें वाइटें बहुत मेंटेन रखी हुई है। ये एक आश्रम की गाड़ी है, तो आश्रम की गाड़ियाँ अच्छी होती हैं, मेंटेन्ड होती हैं। ऊपर लिखा भी है जय गलेश्वर महादेव। हाँ जी, हाँ जी, आश्रम की गाड़ी है जी, कम चली, कम चलती है गाड़ी। हाँ जी, 35,000 चली हुई है, 2018 मॉडल, ठीक है। तो भैया कहाँ तक देने की उम्मीद है इस गाड़ी की? इसकी डिमांड भैया जो है, अगर हमारी बताऊं तो 7.5 की डिमांड रखी हुई है, इसको 7.20 तक हम छोड़ देंगे। 7.20 तक भी हो सकता है, तो समझ लो भाई अगर यहाँ तक हिंट मिल जाती है तो ऑन टेबल बहुत ही अच्छी डील मिल सकती है। तो भाई गाड़ी की कंडीशन आपने देख लिया आगे और पीछे से, गाड़ी की कंडीशन बहुत ही अच्छी है, टायर बहुत अच्छे हैं गाड़ी के और 18 मॉडल है, बिल्कुल फ्रेश मॉडल है, तो भाई बनता है डील। तो नेक्स्ट कार हमारे पास वर्ना, एक सेडान कार आ चुकी है फाइनली। वर्ना की डिमांड बहुत अच्छी रहती है भाई साहब। भैया इसकी क्या डिटेल है और ये कौन सा ओनर? ये वर्ना 1.4 में है, 2015 मॉडल, मेंटेन गाड़ी है, 70,000 के करीब चली हुई है, फर्स्ट ओनर में है गाड़ी। इसको हम सर डिमांड हमने इसका जो रखा हुआ है 4.75 की है एंड इसको हम 4.75 तक, 460 तक भी छोड़ दे देंगे गाड़ी को, अगर कोई अच्छे कस्टमर आते हैं लेने के लिए। फर्स्ट ओनर है? फर्स्ट ओनर पे। क्या बात है, मतलब ये भी आपको फर्स्ट ओनर मिलती है दोस्तों।
तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ और एक ऐसी डील देने वाला हूँ दोस्तों जो मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई जो सबसे सस्ती गाड़ी है आज की वो दिखाते हैं भैया कौन सी गाड़ी है। सबसे सस्ती गाड़ी सर जो हमारे पास खड़ी हुई है ये ऑल्टो है। ऑल्टो ओके हाँ जी एंड 2004 का मॉडल है। गाड़ी आप देख सकते हैं कितना मेंटेन्ड है। ठीक है सर एलेक्स में है एसी है इसमें पावर स्टीयरिंग नहीं है। अच्छा, एलेक्स में पावर स्टीयरिंग नहीं आता तो यही जो हमारे पास खड़ी हुई है बहुत अच्छी गाड़ी है। एंड कोई गाड़ी सीखना चाह रहे हो या किसी को छोटी गाड़ी की जरूरत हो तो 75,000 में इसको हम दे देंगे। का फुल्का गाड़ी में पेंट हुआ हुआ है एक्सीडेंटल नहीं है किसी भी तरह से। टायर्स गाड़ी के अच्छे हैं एंड बहुत ही अच्छे से मेंटेन रखी है कस्टमर ने जिनसे लेकर आएंगे गाड़ी। क्या बात है दोस्तों ये UK07 लोकल नंबर गाड़ी आपको यहाँ मिल रही है। गाड़ी की कंडीशन काफ़ी अच्छी है आप देख सकते हो। गाड़ी में नज़र नहीं आएगा छोटे मोटे स्क्रैच आपको जरूर नजर आएंगे क्योंकि मॉडल है 2004। पीछे थोड़ी सी रबिंग यहाँ पे रखी है गाड़ी में पर भाई अगर गाड़ी सीखने के पर्पस भी चाहिए तो भाई गाड़ी बहुत अच्छी है। और दोस्तों पासिंग गाड़ी की 2024 तक हो रखी है तो भाई ये तो हॉट डील बन गई आपके लिए। अगर गाड़ी पसंद आई है तो भाई फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो। कब करोगे अभी तो बहुत सारी गाड़ियाँ दिखानी है फटाफट से कर दो दोस्तों। और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो शेयर करो दोस्तों। अब दिखाते हैं अगली गाड़ी चलिए। तो दोस्तों नेक्स्ट कार हमारे पास है i10। भैया क्या डिटेल है गाड़ी की कौन सा वेरियंट है? i10 2011 1.2 में है कापा इंजन में स्पोर्ट्स मॉडल है एंड गाड़ी चली हुई है 80,000 फर्स्ट ओनर पे है। ग्रे कलर है गाड़ी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मेंटेन है कस्टमर ने अच्छे से मेंटेन की बहुत मेंटेन है नए टायर से गाड़ी के तो हाँ जी चारों टायर ब्रांड न्यू पड़े हुए हैं गाड़ी में एकदम। हाँ जी हाँ जी एंड कस्टमर ने इसको बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा था गाड़ी। प्राइस की बात करें भैया क्या प्राइस होगा गाड़ी का? प्राइस सर इसका डिमांड हमारी 2,10,000 रुपए की है एंड 2 तक हम इसको छोड़ देंगे गाड़ी को। सिर्फ 10,000 का डिस्काउंट सर बहुत जेन्युइन सा प्राइस रखा हुआ है। देखो आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूँ प्राइस तो किसी कुछ कार होती है जिनमें नेगोशिएशन कम कराना बनता है ना बहुत ज्यादा होता नहीं। हाँ कह रहे हैं भाई हाँ जी थोड़ा सा तो कम कराना पड़ेगा। विल सी देख सकते हैं चलो लेट्स सी 190 फॉर नाउ। 190 तो नहीं बाकी जो भी होगा 195 फॉर नाउ। अगर ऑन टेबल आके आप कम करा सकते हो थोड़ा छोटा मोटा रिगार्ड होगा ज़्यादा तो नहीं होगा क्योंकि गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी है। तो दोस्तों जब भी आप आए यहाँ पे गाड़ी देखें अच्छे से चेक करें चला के देखें और भैया यहाँ मिलेंगे डील लिए देंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट का हमारे पास है i20। अभी आपने i10 देखी और उसका जो अपर वर्जन है i20 Hyundai का भैया क्या रिटेल है गाड़ी की? i20 मैग्ना 2014 मॉडल है और गाड़ी चली हुई 60,000 है फर्स्ट ओनर है गाड़ी फर्स्ट ओनर है 60,000 चली हुई है। हाँ जी ओके हमारी जो डिमांड इसकी रखी हुई है हमने 4.25 की है 4 तक हम इसको छोड़ देंगे। और इंश्योरेंस? इंश्योरेंस वी हैव टू चेक होपफुली वैलिड है इंश्योरेंस। ठीक है जी लास्ट प्राइस क्या बताया आपने? 4 लाख। तो उस 4 लाख में आपको 14 मॉडल i20 मैग्ना मिल रही है दोस्तों वो भी नेगोशिएबल है ऑन टेबल आप आइए नेगोशिएट करें। गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी है आपने देखा अपने स्क्रीन पे। अब चलते हैं अगली गाड़ी की तरफ आ जाइए। तो दोस्तों नेक्स्ट कार हमारे पास एक छोटी गाड़ी ईओन बहुत अच्छी डिमांड हमेशा आती है वीडियो के लिए और ये ऐसी गाड़ी है कि इसको आप लोन भी करा सकते हो क्योंकि 12-13-14 मॉडल आपको बहुत अच्छे रेट में मिल जाता है। भैया ये क्या रेट है इस गाड़ी की? ये 2014 मॉडल है गाड़ी ईओन ठीक है चली हुई गाड़ी 60,000 के आसपास है मैग्ना में है गाड़ी अच्छी है चारों टायर नए गाड़ी में पड़े हुए हैं। हाँ टायर बहुत अच्छे नाइस एंड नॉन एक्सीडेंटल है किसी भी तरह का गाड़ी में कोई एक्सीडेंट नहीं कोई मेजर काम नहीं हुआ हुआ अच्छे से मेंटेन गाड़ी है। फर्स्ट ओनर है? फर्स्ट ओनर पे। ओके प्राइस? प्राइस सर इसका डिमांड जो है हमारी 2.5 की है 2.25 तक हम गाड़ी को आपको दे देंगे 2.25 तक मिल जाएगी और लोन हो जाएगा गाड़ी पे लोन अवेलेबल है। मेरे सामने खड़ी है व्हाइट कलर की सियाज ऑटोमेटिक लाइट्स आपके सामने यहाँ पे LED लाइट्स। भैया क्या रेट है इस गाड़ी की लोकल नंबर? सियाज भैया 2016 मॉडल है फर्स्ट ओनर पे है गाड़ी व्हाइट कलर डीजल में VDI प्लस है SHVS सिस्टम के साथ आई हुई है ये गाड़ी। क्या बात है। एंड इसका जो किलोमीटर है वो 80,000 है फर्स्ट ओनर है इंश्योरेंस इसका एक्सपायर्ड है। डिमांड हमारी जो रखी हुई हमने इस गाड़ी की 6 लाख रुपए रखी है। ये गाड़ी हो सकती है 570 तक हम इसको दे देंगे। 570 तक? हाँ जी। दोस्तों बढ़ते हैं हमारी आखिरी कार की तरफ जो मेरे पीछे खड़ी है यहाँ पे। मैं फॉर्चुनर की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ XUV500 की। फॉर्चुनर अगर आप लेनी है आप कॉल कीजिए पहले आपको 2-3 फॉर्चुनर दिखा चुका हूँ कॉल कीजिए क्वारी कीजिए बताइए कि व्हाइट कलर की फॉर्चुनर देखी थी इसकी क्या डिटेल है। बात करते हैं XUV500 की जो व्हाइट कलर की यहाँ पे खड़ी है और भाई अभी जस्ट आपके लिए धुलवा के खड़ी करी है धूल मिट्टी से उतर चुकी है गाड़ी की। अब जानते हैं भैया कि इस गाड़ी की डिटेल भैया इस गाड़ी की डिटेल क्या होगी? 2016 में XUV500 ऑटोमेटिक वर्जन है W10 सनरूफ सनरूफ भी है एंड ऑटोमेटिक वाली है 80,000 चली हुई है गाड़ी फर्स्ट ओनर है इंश्योरेंस अभी इसका हमारे पास आया नहीं है इंश्योरेंस भी हैव टू चेक की वैलिड है या नहीं है। ओके ठीक है जी वो आपको बता देंगे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। गाड़ी में कुछ पेंट? कुछ भी नहीं है पेंट बस अभी अंदर आई है तो गाड़ी हम ड्राई क्लीन होनी है अंदर से आप देख सकते हो। दोस्तों थोड़ा छोटा मोटा आपको स्क्रैच टचिंग यहाँ पे मिल जाएगी गाड़ी के इसके अलावा गाड़ी में कोई स्क्रैच मेजर स्क्रैच बिल्कुल भी नहीं है छोटा मोटा होता ही है गाड़ी में हर गाड़ी में। तो भैया इसमें क्या प्राइस हम लोग क्या डील दे रहे हैं? प्राइस सर हमने जो डिमांड इसकी रख रहे हैं हम 1075 की है 10.5 10-10.40 तक हम इसको
देते थे। ठीक है, मॉडल भैया 2016 मॉडल है, क्या बात है। तो ये भी अच्छी रील है, टॉप मॉडल मिल रहा है आपको सनरूफ वाला, और काफ़ी सारी गाड़ी हमने आपको दिखाई इस वीडियो में दोस्तों, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो बहुत सारा स्टॉक यहाँ पे है, आप कोई भी गाड़ी आके चूज़ करके ले सकते हैं। और वसीम भैया यहाँ पे हैं, आपको जब भी आप यहाँ पे आएंगे वसीम भैया आपको मिलेंगे इंडियन कार बाज़ार जो कि सहारनपुर रोड है। भैया प्रॉपर एड्रेस क्या है बता दीजिए प्लीज एक बार ऑडियंस। इंडियन कार बाज़ार सहारनपुर रोड देहरादून, अपोजिट बी एम हुंडई का शोरूम है सामने हमारे देहरादून, बी एम हुंडई के सामने है बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी एग्जैक्ट उसी के सामने पड़ता है। और आई थिंक ये जब आप एंटर करते हो देहरादून में स्टार्टिंग में ही है ना, ज्यादा तकरीबन 1.5 किलोमीटर बाद, 1.5 किलोमीटर बाद, 1.5 किलोमीटर, क्या बात है। तो ये सबसे पहले जो कार बाजार पड़ेगा उत्तराखंड का देहरादून का वो इंडियन कार बाजार ही होगा दोस्तों। तो बहुत सारा स्टॉक आपने पहले वीडियो में देखा है, इस वाली वीडियो में देखा है। तो दोस्तों जो भी आपको गाड़ी पसंद आई है आप उसके लिए कॉल कर सकते हो, आके ले सकते हो गाड़ियाँ। और काफ़ी सारे लोग फोटोज़ के लिए इंक्वायरी करते हैं, अगर आप लोकल हैं दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे आके गाड़ी देखें और पसंद करें और डील करें, क्योंकि फोटोज़ इतने सारे लोगों को नहीं जा पाते हैं, बहुत बार बिजी रहते हैं, है ना, नहीं हो पाता है। पर अगर पॉसिबल होगा तो भैया भेज देंगे, नहीं हो पाएगा तो प्लीज़ आप आए यहाँ पे गाड़ी देखें और लेके जाएं। और दोस्तों वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सकता है, क्योंकि हमने इतनी भरी दफेरी में आपको गाड़ियाँ दिखाई है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय लाइफ, बूम।